हेलो गाइस, ये है मेरा पहला व्लॉग। बहुत महीनों बाद मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फॉर माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करता हूँ विद दी टाटा हैरियर स्केल मॉडल। ये हमें मिला था कुछ महीने पहले एट दी टाटा हैरियर ड्राइव, जो कि खिमसर में हुई थी, सैंड ड्यून्स के एरिया में, यू कैन सी राइट नाउ। इसकी सेल शुरू हुई कि व्हेन द कार इज ऑन सेल, एंड ऑब्वियसली जो अभी इस गाड़ी के रोड शोज चल रहे हैं इंडिया में, अगर आप उस रोड शो पे गाड़ी को बुक करते हैं एट एनी ऑफ दोज रोड शोज अराउंड इंडिया, आपको शायद ये गिफ्ट में मिलेगी, ऐसा हमने सुनने में आया है। पैकिंग इज क्वाइट डिसेंट। यहाँ पे हायर का सिल्यूट है, इस तरफ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे इसके सॉरी मुझसे पहले फट गया था, तो यहाँ पे इसके इम्पोर्ट डिटेल्स है। इट्स इम्पोर्टेड बाई अ कंपनी विच इज बेस्ड इन बॉम्बे, विच मीन्स कि शायद ये बाहर बनते हैं इंडिया से। प्राइसिंग इसकी इस टाइम पे यहाँ पे काटी गई है, एंड मार्केट ऑफ टाटा मोटर्स करेगी। मटेरियल क्या है इसका, इट्स अ डाई कास्ट मेटल विद प्लास्टिक पार्ट्स, एंड क्वांटिटीज की एक है, 2018 का ये मॉडल है। आइए देखते हैं ये अंदर से कैसे है। सो लाइक मोस्ट स्केल मॉडल्स, ये भी एक आपको ग्लास इंक्लोजर के अंदर मिलता है, बट कुछ दिन पहले खोलते वक्त मैंने इसका ग्लास इंक्लोजर स्लाइटली ब्रेक कर दिया, यहाँ से टूट गया मुझसे, एंड यहाँ से क्रैक है। सो एनीवेज, इट्स इन अ ग्लास इंक्लोजर विच इज नॉट फिक्स्ड, सो यू कैन टेक आउट द इंक्लोजर वेरी इजीली। एज यू कैन सी, यहाँ लिखा है हैरियर मीडिया प्रीव्यू खिमसर December 2018। तो खिमसर राजस्थान के अंदर जगह है जहाँ पे हमने गाड़ी ये फर्स्ट टाइम देखी थी, चलाई थी एज पार्ट ऑफ मीडिया। मैं आई वर्क फॉर अ वेबसाइट कॉल्ड cartalk.com, CARTOQ, तो उस वेबसाइट के लिए मैं काम करता हूँ, एंड उसी वेबसाइट को बुलाया गया था हैरियर की ड्राइव पे, और ये हमें स्केल मॉडल दिया गया था। यहाँ पे लोकेशन इवेंट मेंशन करा गया है, और यहाँ पे है टाटा हैरियर। ऑब्वियसली अगर आप इसको परचेज करेंगे बाद में तो शायद ये नहीं होएगा। इट इज अपीलेबल स्ट्रिप, यस इट इज। इसको निकाल ही देते हैं, नहीं निकालेंगे नहीं, नीचे निशान आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज, सो ये है हैरियर का स्केल मॉडल। आई थिंक ये 1:21 या 1:20 का स्केल मॉडल है। इट इज सपोर्टेड बाय टू स्क्रूज जो यहाँ से खुलते हैं, यू कैन सी द स्क्रूज फ्रॉम हियर। एक मैंने नहीं लगाया हुआ है, वो मैंने उतार दिया है, दूसरा स्क्रू भी इसके अंदर है ताकि इट इज फिक्स्ड, गिरेगी नहीं गाड़ी। एज यू कैन सी, इट्स सेम मार्केटिंग शेड, जो इसका ऑरेंज शेड है उसी शेड के अंदर ये स्केल मॉडल भी है। सेम डिजाइनिंग एज द वन दैट विल बी ऑन सेल इन इंडिया, लुक्स वेरी मच लाइक दी H5X कॉन्सेप्ट जो ऑटो एक्सपो पे दिखाया गया था 2018 फरवरी में। आइए इसको खोलते हैं। अ स्विस नाइफ इज ऑलवेज वेरी हैंडी, ये चीजें आपको रखनी चाहिए अपने पास घर में फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर ओपनिंग थिंग्स लाइक दिस। सो स्विस नाइफ का ये स्क्रू ड्राइवर खोल के हम इसकी जो एक यहाँ पे स्क्रू है इसको खोलेंगे। इट्स अ बिट ट्रिकी, फील करना पड़ता है स्क्रू को, एंड यस खुल जा भाई। सो इस काम में मेहनत जरूर लगती है, बट वंस डन इट इज कंप्लीटली वर्थ इट। सो ये है आपकी हैरियर एसयूवी का स्केल मॉडल। जरा लाइट मार्केट टेक्शन मारते हैं गाड़ी पे, सॉरी डिस्को लाइट्स मारते हैं। एनीवेज, जोक्स असाइड, इट्स अ वेरी गुड लुकिंग स्केल मॉडल, एंड इट्स नॉट वेरी कॉमन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू हैव अ स्केल मॉडल ऑफ देयर अपकमिंग व्हीकल ऑल्सो रेडी फॉर अस टू सी एंड अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली ऑल दो इसके व्हील्स घूमते हैं, यू कैन सी लुक नाइस राइट, बट दे डोंट टर्न, सो दैट इज अ ड्रॉबैक। आई थॉट कि गाड़ी के व्हील शायद टर्न करेंगे तो वी कुड टेक सम गुड स्नैप्स ऑफ द व्हील्स टर्न। एक चीज जरूर इस पर सरप्राइजिंग है कि बिकॉज ये बहुत टाइम से इस पर फिक्स थी, तो इसके जो टायर्स है वो कहीं ना फ्लैट हो गए हैं स्लाइटली, जो रबर पार्ट है फ्लैट हो गया है, जैसे कि यस दिस इज अ फ्लैट रबर पार्ट, दैट्स व्हाई जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको ये आवाज आएगी। सो आई थिंक व्हेन दे पैकेज द प्रोडक्ट, वो शायद स्क्रूज बहुत टाइटली टाइट करते हैं, तो जब गाड़ी यहाँ पे है वो दबती है, उसके रबर पार्ट दबते हैं, एंड दे बिकम फ्लैट। अगर आप गाड़ी को चलाएंगे वो स्मूथनेस नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं इसमें छू छू की आवाज भी शुरू हो गई है।
एनीवे स्केल मॉडल. सो टायर्स इसके नहीं टर्न होते हैं, लाइट्स इसकी ऑन नहीं होती हैं, इसका जो डोर्स हैं वो भी खुलते नहीं हैं अनलाइक सम ऑफ द अदर स्केल मॉडल्स. सो आई थिंक बेसिक तो है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, बट आई एम श्योर इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम होएगी. कुछ दिन पहले खेलते हुए ग्राउंड में आई वाज टेकिंग अ फ्यू फोटोज, इसका मिरर्स स्लाइटली टेढ़े हो गए थे, राइट वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया था, बट दिस इज फिक्स्ड. ये इसकी रूफ है जस्ट लाइक द नॉर्मल हैरियर, वही एंगल्स वही कर्व्स. ये शार्क फिन एंटीना, ये हैरियर का लवली सी पिलर, दिस इज द ए बी सी पिलर ओवर हेड जिसमें मल्टी कलर आपको मिलते हैं. ये फीचर्स की शार्प टेल लैंप्स, वही डुअल एग्जॉस्ट साइड पर. आगे देखिए तो शार्प डीआरएल्स, आपके फॉग लैंप्स एंड मेन हेडलाइट्स एंड द हैरियर लोगो. ओवरऑल फिटिंग फिनिश इज क्वाइट डिसेंट, वाइपर्स भी नहीं घूमते हैं, बट स्लाइटली यू कैन पुल दिस फ्रॉम द फ्रंट एंड स्लाइटली सो इट लुक्स नाइस. मगर जितना अच्छा सी क्वालिटी ऊपर से है उतना डिसअपॉइंटिंग ये गाड़ी नीचे से है. देखिए द क्राफ्टमैनशिप या जो आपको अटेंशन टू डिटेल आगे मिलता है वो नीचे बिल्कुल ही नहीं मिलता, इट्स जस्ट प्लास्टिकी. एंड आई थिंक जिसने ये गाड़ी बनाई है, जिस कंपनी ने, उनको ध्यान रखना चाहिए था कि इट इज़ जस्ट अ फ्रंट व्हील ड्राइव. आई थिंक इसके अंदर ये ड्राइव शॉट फीचर भी दिखती है आपको, विच मीन्स रियर पावर जो एक्चुअल में हैरियर नहीं है. यहाँ भी स्लाइटली यू नो कोने हैं जो फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है, तो यहाँ तक गाड़ी लुक्स वेरी नाइस, बट अगर आप ऐसे देखते हैं इट्स डिसअपॉइंटमेंट. आई थिंक टायर्स भी इसके थोड़े और चौड़े हो सकते थे. इन टर्म्स ऑफ वेट जो एक्चुअल गाड़ी है वो है 1685 kg की, और जो स्केल मॉडल है ये तकरीबन 340 ग्राम का है. पुल बैक इफेक्ट भी इस पर नहीं है, सो जस्ट नॉर्मल यू कैन डू आगे पीछे, नहीं तो यू कैन जस्ट पार्क इट एट योर डेस्क एंड एज अ फ्लॉन्टिंग थिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, ये दिखाने के लिए अच्छी है. सो इसका आपको इस महीने के आखिरी में शायद शोरूम्स के अंदर आ जाएगी गाड़ी है परचेज करने के लिए. एक्चुअल हैरियर की जो लॉन्च है वो 23 January को रखी गई है. प्राइसिंग होगी 11 से 15 लाख रुपए के आसपास. जहां तक स्केल मॉडल का हिसाब है, आई थिंक दिस शुड नॉट बी ओवर 1000 rupees. 500 rupees, 600 rupees विल बी वर्थ इट गिवन दी अटेंशन टू डिटेल, बट अगर 1000 में भी है तो लेना तो भैया बनता है. एक नई गाड़ी है टाटा मोटर्स की जो स्केल मॉडल के अंदर भी आपको मिलती है इसका रियर वाइपर. सो ओवरऑल ये थी टाटा हैरियर एसयूवी स्केल मॉडल में, ये इसका बॉक्स और ये इसका कवर. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय. एंड बिफोर वी साइन ऑफ, वेल जो हर कोई बोलता है अपने वीडियो में, गाइस मैं भी बोलूंगा प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माई स्मॉल चैनल, क्योंकि इसी हफ्ते एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स. थैंक यू.